बच्चे वापिस गए समय नगरी, माया और विशु हुए अभी से अलग। माया विशु अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। मेरे पास समय बहुत कम है और समय खत्म होने से पहले मुझे सूरजपुर की उम्र की घड़ी में सुनहरी सुई लगानी है। अरे सूरजपुर के लोग बूढ़े होके मर जाएंगे। अरे विशु और माया को भी ढूंढना है। अब आगे विशु माया घबराना मत, तुम लोग जहाँ गई भी हो मैं भी आ रहा हूँ। सूरज की शक्ति ले मुसीबत से मुक्ति। मिल गए माया विशु, मैं आऊं, ऊपर देखो की शक्ति ले मुसीबत से मुक्ति। अच्छा है अभी एक और बार। अभी अभी तो ये है समय नगरी का अंतिम छोर। कितनी अजीब जगह लग रही है बॉस। कितनी मनुष्यत है हर तरफ। जरूर ये बुरा समय का इलाका होगा, उसने असली सुनाई सुई यही कहीं छुपाई होगी। टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक, बहुत समय लगा दिया बच्चों पर आखिर सही जगह पर पहुंच ही गए। यहाँ से तुम्हारा बुरा समय शुरू होता है। कितने भी वार कर लो इसके घाव अपने आप भरते जाते हैं। कह दो अपने महाराज से कि अगर उससे अपनी जनता की जान प्यारी है दे दे मुझे वो सुनहरी चाबी, रुद्र की मायावी चाबी। महाराज महाराज दे दीजिए, महाराज दे दीजिए, महाराज सुनहरी चाबी दे दीजिए। जीत मेरी होगी। तुमने एक बार फिर सूरजपुर की जनता की पीड़ा और उनके आंसुओं को मुस्कुराहट में तब्दील किया है, मुझे तुम पर गर्व है। बच्चों मुझे पता है कि टेबल के नीचे तुम सभी छुपे हो, चलो बाहर निकलो। देखो आज कोई शरारत मत करना, आज के दिन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ आज ऐसा क्या खास है मम्मी? आज गुरु पूर्णिमा है बच्चों, और हर 10वीं गुरु पूर्णिमा के दिन माँ गुरु हमारे घर आते हैं। माँ गुरु हमारे घर आ रहे ये तो बहुत ही शुभ बात है। वो तो है अभी, पर उन्हें गुस्सा बहुत आसानी से आ जाता है और जब उन्हें गुस्सा आता है तो बहुत बुरा होता है। उनके आने से पहले खाने की सारी तैयारियां हो जानी चाहिए।
मौके की चिंता मत कर रुक्मणी, मौका मैं ईजाद करूंगा, मैं गुरुकार। आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अंदर। आखिरकार मैं किताब तक पहुंच गया। इसी बर्फी में मिला देना चाहिए गुरुकाल का दिया हुआ जहर। क्या हुआ गुरुजी? इसमें विष है। विष? आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझ पर हमला हुआ है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं गुरुजी, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है। नहीं गुरुजी, वो निर्दोष है। ये क्या? ये तो मेरी किताब नहीं है, ये तो शैतान की किताब है। मैं बेबस हूं अभी। ये शैतान की किताब है और इस किताब से किसी को निकालना किसी शैतान के लिए ही संभव है, पर मेरी किताब से इसे बदला किसने? मैंने बदलवाया तेरी किताब महागुरु। इस गुरुकाल की तो ऐसी की तैसी। अभी अपनी माँ को बचाना है तो दे दे वो मायावी चाबी, नहीं तो ध्यान से देख किताब में, तेरी माँ की मौत ज्यादा दूर नहीं है। गुरुजी, हमें उस किताब में भेज दीजिए जल्दी। याद रखना बच्चों, पहला अध्याय है अदृश्य मानव, उसे समाप्त करने के बाद ही तुम अगले अध्याय में प्रवेश कर पाओगे। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं। तुम मुझे हरा कर भी अगले अध्याय में जा सकते हो, और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपना जादुई जामा दे दूंगा जिससे तुम अदृश्य हो जाओगे, पर सिर्फ एक अध्याय के लिए। इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। बस हम इस जामे का इस्तेमाल करके तीसरे चैप्टर तक पहुंच सकते हैं आंटी को बिना पता चले। Oh,
क्या करेंगे? जो चीज हथियार से नहीं मरती है उसे हम कैसे हराएंगे? कोई गूगल आइडिया सोचो बॉस। ओए, हम वो अदृश्य करने वाले जादू जामा पहन लेते हैं ना। नहीं विशु, वो जामा हम थर्ड चैप्टर में यूज करेंगे। उस जादू जामे को वैसे भी सिर्फ एक ही चैप्टर में यूज किया जा सकता है। कुछ सोच अभी, वरना हम यही मर जाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, वो तारे उस स्याही से बने, तो उसकी कमजोरी भी स्याही होगी। बॉस, स्याही को कैसे हराते हैं? स्याही को मिटाने वाली इरेजर से। ये ले विशु, आप उस दानव के लिए एक ड्राइंग शीट बनानी है। बस इस दानव को किसी तरह से इस ड्राइंग शीट पर लाना है। वो तो मुझ पर छोड़ दो बॉस। माया, हे दर्पण, मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। अब इस शैतान की किताब की कहानी खत्म करते हैं। ओए, वो देख, वो रही आंटी। टफो, आंटी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। अभी अब जल्दी से जादुई जामे वाला कपड़ा निकाल। अगर तुम अपने बेटे और बीवी को बचाना चाहते हो तो आपके अंदर जा और मेरे लिए मायावी चाबी लेकर आ जाओ किताब के अंदर जल्दी। तुम्हारी हामी में एक चाल थी, अब जो तुमने किया है उसका फल भुगतो। ये कैसे हो गया? महागुरु।
पापा, गुरुजी, अंकल, अंकल। तुम सब ठीक तो हो ना बच्चों? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आदित्य, गुरुजी, मेरे बच्चे। कहीं मेरे आजाद होने में तुम सबका हाथ तो नहीं? देखा रुक्मिणी, जो बच्चे कॉकरोच से डर गए वो तुम्हें बचाने कैसे आ सकते हैं? मैं आया था किताब में तो मैं लेने। आज गुरु पूर्णिमा का दिन शुभ साबित हुआ, सत्य की बुराई पर जीत हुई। आदित्य, तुमने एक गुरु पर कलंक लगने से बचा लिया। मैंने रुक्मिणी को काम से सूरजपुर इसलिए बाहर भेजा है क्योंकि आज हमें बहुत बड़ा काम करना है। ऐसा क्या काम पापा? तुम्हारे रुद्र के रक्षकों की शक्तियाँ उपयोग के साथ साथ कमजोर हो जाती है। उन्हें वापस ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्राप्ति के दिन उनका आह्वान करना पड़ता है और इस आह्वान का संचालन मैं खुद करूंगा। आप खुद? हाँ, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत? आह्वान शुरू करने से पहले तुम सबको अपनी मायावी शक्तियों के अस्त्रों को प्रदर्शित करना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है, अभी आह्वान के सफल होने के लिए तुम्हें अपने शरीर से रुद्र के मायावी चाबी को निकालना होगा। इससे कहते हैं तकदीर का पलटना। आपको क्या हो गया गुरुकाल? वहां अभी की शक्ति रिचार्ज हो रही है और आप हैं कि खुश हो रहे हैं? बेवकूफ, तुम समझते नहीं हो। जिस चाबी के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी वो चाबी अभी अपने शरीर से निकालने वाला है। नियति का दिया हुआ मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। चाबी मेरी रहेगी, मैं हो जाऊंगा तीनों लोक का सम्राट। गुरुकाल का क्या करेंगे पापा? अगर उसे चाबी के बारे में पता चल गया तो वो ये मौका कभी भी नहीं छोड़ेगा। पर गुरुकाल के हाथ में मायावी चाबी कभी नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर उसे मायावी चाबी मिल गई तो रुद्र का अमृत वो पा लेगा और अमृत पाकर सारे सृष्टि पर कब्जा कर लेगा। इसलिए इस आवाहन के खत्म होने तक मैं पूरे हवेली को सुरक्षित कवच से ढक दूंगी। जनंतम ममंत्रम इच्छा पूर्तियम। नागिन, तुम और मैं ये कवच भेद नहीं सकते। ये काली मायावी शक्ति हमें आगे नहीं जाने देगी और हमने अपने आप को काली मायावी शक्ति को समर्पित किया है। पर शकुर तो जा सकता है। मैं नहीं जाऊंगा वहां। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। शकुर, ये देख। इसके जरिए इसने हमें तुझे हवेली में भेजने का तरीका बताया है। मैं तुझे एक प्यारा सा टेडी बियर बना दूंगा। टेडी बियर? ये लो, इसे भी रखो, काला मोती। हवेली में तो तुम खिलौना बन के घुस जाओगे पर चाबी लेते वक्त ये जादुई काला मोती मुंह में रखना। रखते ही तुम अदृश्य हो जाओगे और चाबी लेकर हवेली से भाग सकोगे। अब ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। बोलो ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ये काला मोती खाकर चाबी ले लेता हूं। आओ। अभी चाबी मेरी ही हुई। शकुर भाग, चाबी लेके भाग। ओए, ये चाबी कहाँ गई? आओ, तुम यहाँ
कवच की अवधि खत्म हो गई है, पकड़ो शकुन को। अंकल मुझे पता चला उस टेडी की असलियत। लगता है आंटी आ गई। मैं जल्दी से अंदर जाकर जादू से सारी बर्बादी ठीक कर देती हूँ। हाँ। अरे आप सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? माया तोरी बेटा आपका वो टेडी तो नहीं मिला?